मजा आ रहा है पप्पी को, बग्जी को मजा आ रहा है। बब्जी की पूछताछ हो रही है तो बब्जी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा है ना। क्या घुस गई है नीचे? और तू क्या कर रही है अंदर? पता नहीं बाहर आप क्या कर रही है। लड़की है वैसे। हाँ ये एरिया सबसे सेंसिटिव है, हम पहले ही वार्न कर रहे हैं। देख लो रिलैक्स। नहीं कोई नहीं, मैं कुछ कह रहा। मुंह पकड़ लो ना इसका अच्छे से, अपने कॉन्फिडेंस में ले लो। तू पकड़ ले मुंह पकड़ ले। थोड़ा उसका सेंसिटिव एरिया है ये, ऑब्वियसली हर मर्द की मर्दानगी है। मुझे उल्टी हो जाएगी कि मेरे को प्यार मिलेगा। शक्ल देखो, शक्ल देखो। उतर गया गुड बाय ना। और बग्जी टेबल से उतर गया एंड ही इज रिफ्यूजिंग टू गेट ऑन द टेबल फॉर कटिंग। अभी तो काफी कटिंग रह गई है फेस एरिया की। राहुल ने पकड़ लिया। तुम्हें थोड़ा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आगे के भी ढंग से कट जाए। उल्टा थप्पा पड़ जाएगा। चुपचाप बाल कटवा ले बब्जी। इतना ढीट हुआ पड़ा है, वो कह रहे हैं इसको उल्टा उस तरफ के बाल निकालने के लिए। पर ये लड़का बाल नहीं लगता है। क्यों डर लगता है? तू तो बचपन से है उसके साथ। नहीं ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो इनको बड़े होने के बाद ना कभी मालिक या फिर जिसकी केयर जो भी करता था ना तो दोनों में से एक बंदे को चुनना होता है। तो मालिक चुना भाई उसने। वो मुझे भी नहीं पूछता, देखा मेरे साथ बिहेव करता है। अबे पैर दे अपना। वो सिर्फ राहुल को ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट नहीं करेगा अभी, उसके दर्द है पैर में। पैर में क्यों दर्द है? गिरा इसलिए? नहीं फिसल गया ना नीचे। ये लेडी वाली उसको परेशान कर रही है। पहले इस तरफ कर लो फिर एकदम करते हैं। ठीक है अब टेल हो रही है। ये देखना कितनी लेडी वाले दांत मारे हुए हैं। ये देख गंदी लड़की है। ये देख सारे स्क्रैचेस, ये उसके पैरों के निशान है। ये छेड़ता होगा ना उसको, तंग करता होगा। बब्जी की पूछताछ हो रही है तो बब्जी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा है ना। बबे बब्जी ये क्यों घुस गई है नीचे? और तू क्या कर रही है अंदर? पता नहीं बाहर आ क्या बैठी है। कैसी लड़की है वैसे भाई? ये कहां खाती है जब देखो? चल बब्जी तेरी पूछ तो क्या चकाचक हो गई। जैसे जैसे मैं इसके थोड़े पार्ट्स की तरफ जाऊँ ना नीचे तो ये थोड़ा वो हो जाता है कॉन्शियस। मैंने देखा है बिल्कुल अपना जैसे सर ऊपर करके बैठ गया है। तुम अगर इसको चैलेंज करोगे तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ये मेल रॉट वायलेंस का सिर्फ या फीमेल्स का भी है? फीमेल्स का भी है। अब बारी है सबसे चैलेंजिंग काम की, इसको पलटना है और उस तरफ के बाल निकालने हैं और फेस के भी। खड़ा हो सकते तो खड़ा। अबे चलो खड़े तो जो लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं क्या हम रॉटवाइलर लें, तो गाइस ये मेहनत लगती है एक रॉटवाइलर को पालने में। तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है तो आपको लेना चाहिए। दो जगह से इसको पकड़ा होगा टाइट। मजा तो वैसे आ रहा है मुझे लग रहा है इसको। बहुत सीधा बच्चा है ये, बहुत सीधा। ये? हाँ ये क्यों भाई? बहुत सीधा बच्चा है ये, जो इसको खिलाओ खा लेता है, कभी कोई नखरा नहीं करता। ये बहुत अच्छा बच्चा है। चीज के लिए सीधा है पर नेचर तो देखो इनका इनबिल्ट होता है ना, पर उस हिसाब से भी ना ऐसी बेवजह किसी के साथ कोई वो नहीं करता। तुम उंगली करोगे तो फिर तो करेगा ना। जी को सीधा खड़ा है नीचे के बाल कराने के लिए टांगों के। बस बस बब्जी को शायद थोड़ा सा गुस्सा चढ़ रहा है, थोड़ा सा है ना राहुल जी? आर यू ओके? थोड़ा सा गुस्सा भी देख के करना भैया, क्योंकि इसमें बब्जी को कई बार गुस्सा चढ़ता है। मेरी गलती से चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया गुस्सा मेरे गले में। वो वहाँ पे वाइब्रेशन आ गई साथ में। बस बस कुछ नहीं कर रहा, वो टच नहीं कर रहा। एक बार मेरा गलती से ना पैर लग गया था, ये उल्टा लेटा था मेरे। देख लो रिलैक्स। नहीं कोई नहीं, मेरा कुछ कह रहा। बस बस मेरा बच्चा। मुंह पकड़ लो ना इसका अच्छे से, अपने कॉन्फिडेंस में ले लो। तू पकड़ ले मुंह पकड़ ले।
तुम ना मेरी बहुत वो करते हो क्लास के जाई बेटा तेरे बाल ना मेरी बात है ना आप तो अच्छे बेबी हो ना शरीफ लौंडा है मेरा ना पर ना और तुमने एक चीज नोटिस की जब ना ये घुर्रा है ना लेडी वाली ना इसकी वो पीछे आ गई अच्छा तू क्यों घुर्रा रहा है मैं देखती हूँ कौन है जो तेरे को तंग कर रहा है और अब चुपचाप यहाँ पे ना नीचे लेट गई है हाँ जी मैडम तू बहुत बड़ी मोए महंगी है वो कह रही है मेरे को भी गर्मी लगी है डोंट डिस्टर्ब मी हाँ वो एसी की हवा खा रही है ना यहाँ पे एसी चल रहा है मजे आ रहे हैं बस है ओए बस नो नो बबे बब्जी स्टैंड डाउन क्या हुआ डाउन नो सेट स्टैंड डाउन बस राहुल या पूरी कोशिश करते हो कि बस ये काम तरीके से कटिंग करा ले बस मेरा बच्चू गुस्सा तो खानदानी है कोहलियों का राहुल कोहली बब्जी कोहली एक जैसा गुस्सा है इनका बब्जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मतलब तेरा ही गुस्सा निकल गया तेरे ऊपर वो हमने ऐसे लिटा के ना थोड़ा उसका सेंसिटिव एरिया है ऑब्वियसली हर मर्द की मर्दानगी है तो उनका भी सेंसिटिव एरिया है तो उसको पहले से बहुत गुस्से में है या फिर तेरा हुआ भी हो सकता है हम दोनों भी हो सकते हैं हम क्यों बदनाम करेगी गुस्सा है डर भी हो सकता है कि क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ बब्जी स्टे स्ट्रांग छोड़ा बाबू बन जाएगा तू क्या पता टिकलिंग सेंसेशन हो रही है उसको मुझे तो ऐसा लगा एंजॉय कर रहा है रादर देन गुस्सा गुदगुदी से हो रही है उसको हाँ बब्जी गुदगुदी हुई बब्बे नहीं अब तो ग्रॉल कर रहा है कितने हेयर कट करते हो एक दिन में ऑलमोस्ट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है फिर भी ऑन एन एवरेज 5-6 हाँ 12-13 और वो तो नहीं फिर इसका मतलब इक्विवेलेंट ब्रदर का संडे का काम है हां ऑफ कोर्स है वो तो ऐसे करवाएगी ना मेरे सारे बाल उखाड़ लो जैसे नहाती है बालों की तरह और अपने नए फ्रेंड्स बना रही है और यहाँ पे वेटनरी क्लिनिक है ना इसको सब जानते हैं क्योंकि ये पावो सर्वाइवर है और इसी क्लिनिक में इसका इलाज हुआ था तो इसको सब जानते हैं तो बब्जी की हो गई कटिंग बब्जी को उतार रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे और अब ऊपर चढ़ने की बारी है मिस लेडी ऑली की राहुल हटा रहे हैं ब्रश से कोई भी बाल अगर लगा हो तो ताकि बब्जी को इरिटेशन ना हो बब्जी हीरो लग रहा है हीरो लग रहा है बब्जी आज का हीरो चलो चले मेरे कपड़ों में ना इतने बाल तो मेरी कटिंग में भी नहीं तो तुम्हारी कटिंग तुम्हारे बाल देखिए कितने हैं और उसके कितने हैं लेडी और तो चढ़ा दिया है ऊपर अब है इसकी कटिंग की बारी ये तुम्हारा बिछ रही है बिल्कुल देखना मेरे से लेडी वाली ये तो कुछ भी नहीं करेगी ये तो कहेगी और करो और नहीं बस इसका टिकना नहीं नहीं इसका बिल्कुल भरोसा पूरा भरोसा 100% बहुत अच्छी लड़की है ये क्योंकि लड़की है ये इसीलिए तो अच्छी है ना हाँ इसका कोट तो और भी सुंदर है जैसे कंडीशनर और शैम्पू तो मजे आ रहे गुड़िया रानी को तो मजे आ रहे मजे देख ना कैसी पंटर रानी मजे आ रहे इसने अपनी लाइफ में एक और जिंदगी जी ली ना माँ का रोल निभाया तो इसके चेहरे पे नूर है ना बुढ़िया मुझे ऐसे लगता था कि लेडी ऑली के शरीर पे ज्यादा निशान है बब्जी काटता है बट उल्टा हो गया यहाँ पे असलियत में पता चला कि लेडी ऑली बब्जी को ज्यादा काटती है वो तो देखो कितनी शानी है ये खुद ही ना थोड़ी टेढ़ी हो गई है इसने अपना हिप ना ऊपर को कर लिया कि भाई अच्छे से काट लो मेरे पास उल्टा करना चलो ये तो खुद ही हो जाएगी इसको बोलो कि लाड करना है खुद ही उल्टी हो जाएगी कि मेरे को प्यार मिलेगा शक्ल देखो
शोनी गुड्डो होला देख ना कैसे गुर्रा रही हां वाला इसको तो सिर्फ लाड़ चाहिए पूरे दिन इसको बिठा लो ऐसे कुछ नहीं करेगी इसके बाद अभी तो तेरी बिल्कुल ऐसे हुई हुई थी पबजी के टाइम तो हवाएं छूटी हुई थी है? और यहाँ पे अभी इसके दांत देख लो यही होता है देखो फर्क फिर अपने आप को डॉग लवर कहते हैं आए बड़े हैं आगे देखो कैसे करके बैठी हुई है ये देखो मजा शांति से ये होती है समझदार लड़कियां ही होती है इतनी समझदार क्यों लेडी वाली हाई फाइव दे दे मुझे हाई फाइव दे जल्दी दे हाई फाइव वो तो और बदमाश लग रहा है सच्ची देखो तो सुन के आ पूछ देखो ऐसा लग रहा है आदर सिंह किसी और ने लगा दिया पूछ देख कमजोर सा लग रहा है तू तो टेंशन आ गई मेरे को थोड़ी टेंशन लगी तेरे को कोई टेंशन नहीं होती मैं तो कभी भी नहीं छोड़ सकती तू मेरी जान है तेरे को पता है ना ये बात मेरी छोनी छोनी मोनी मेरी कुचड़ी कुचड़ी तू अपना हेयर कट एंजॉय कर बेटा ब्यूटी सर्विसेज मिल रही है देखो पैम्पर हो रही है तू चले लेडी वाली अपना मुंडन करा के आ गई है और ये लग रही है हीरोइन बिल्कुल है ना लेडी वाली शोरी लग रही शोरी साफ सुथरी लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की जैसे इनका मुंडन होता है ना डॉग्स ना कमजोर से दिखने शुरू हो जाते हैं और ये देखो मेरे पास आने की कोशिश कर रही है ओला बहुत छोना लग रहा है बहुत छोना और आप देखो इसका हाई क्रोमा भी वहीं का वहीं है देखते हैं दो तीन महीने वेट करेंगे और अगर ठीक नहीं हुआ तो सर्च कराएंगे और मेरा हाथ पूरा इसके ना मुंह के अंदर लाड और अनियम प्यारी प्यारी बच्ची है मेरी छोटी तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ इन दोनों की हमने शेविंग कटिंग करा दी है और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बताइए और क्या क्या देखना चाहते हैं आप लेडी वॉलर पबजी से रिलेटेड कॉन्टेंट बाय बाय